राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको कामिका एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह एकादशी सावन में आती है, इसलिए इसका महत्व तो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। तो सावन मास में जो एकादशी आती है कृष्ण पक्ष की, उसका नाम कामिका एकादशी है। तो इसका जो व्रत का समय है वो हमारा 31 जुलाई को है, और जो पारण का समय है वो है 1 अगस्त 5:43 से लेकर 8:24 तक हम इसको पारण का समय हमारा ये है, यानी कि उस समय तक हम इसका व्रत को खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ये व्रत रखें तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और एक दिन जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसे एक दिन पहले ही चावल छोड़ देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें, जब भी हम एकादशी का पूजन करते हैं तो हम, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराएँ, उसको पंचामृत से स्नान जरूर कराएँ, और उसके बाद उनको सुंदर से वस्त्र धारण कराकर सुंदर सा श्रृंगार करें। उसके बाद आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, और चाहो तो आप चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चौकी लगाई है, उस पर मैंने थोड़े से फूल मैंने यहाँ पर बिछा दिए हैं, और वहाँ पर मैंने जो मेरे पास सत्यनारायण भगवान की, जो भगवान विष्णु की फ़ोटो थी, मैंने उसको यहाँ पर विराजमान कर दिया। उसके बाद लड्डू गोपाल जी, अगर आप सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी का भी देखिए मैंने कितना सुंदर श्रृंगार किया है, और उसको भी मैं यहाँ पर विराजमान कर दूँगी। मेरे लड्डू गोपाल जी विराजमान हो गए हैं, और गणेश जी तो सर्वप्रथम है, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है, और उसके बाद ये सावन का महीना है, तो सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा भी विशेष मानी जाती है। तो इस पूजा में हमें भोले बाबा की भी, हमें यहाँ पर जो भी स्वरूप आपके पास है उनको भी यहाँ पर विराजमान हम कर देंगे। तो मैंने भोले बाबा की और सबकी मैंने यहाँ स्वरूप को विराजमान कर दिया है। एक हम जल का लोटा लेंगे, जल के लोटे से हमें सबको भाव के साथ छीटा लगाते हुए हमें स्नान कराना है, और उसके बाद जैसे ही हमारा स्नान हो जाता है हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें तिलक करना है, तिलक चंदन से कर सकते हैं, चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी चंदन कर से भी आप तिलक कर सकते हैं। हल्दी से भी तिलक हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आप पीले चंदन से ही तिलक करें, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला चंदन अति प्रिय है। उसके बाद हमें चंदन का तिलक करने के बाद हमें धूप को भी हम जला देंगे, और उसके बाद जो हमारे तिल हैं, इसमें तिल का विशेष महत्व तो माना जाता है, तो हम सबको तिल समर्पित करेंगे। एकादशी पर चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो हम सब गणेश जी को, विष्णु भगवान को, भोले बाबा को और लड्डू गोपाल जी को तिल समर्पित करेंगे। थोड़े से तिल हम दिए में भी डाल देंगे, क्योंकि जब दिए के तिल चटकते हैं तो उतने ही हमारे पाप का नाश होता है। उसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देना है, भोले बाबा पर, सब विष्णु भगवान पर कलावा समर्पित कर दिया है, फूल समर्पित कर देंगे सबको, जो भी फूल आपके पास आप समर्पित कर दीजिए। और इस दिन इसका पूजन, हमें कामिका एकादशी जो है चतुर्मास की पहली एकादशी होती है, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है, और इस दिन इसका पूजन जरूर करना चाहिए कामिका एकादशी का। तो फूल समर्पित हमने कर दिए हैं, तुलसी भगवान को समर्पित कीजिए, तुलसी एक दिन पहले जरूर तोड़ लीजिए। हम लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान को तुलसी समर्पित कर देंगे, और उसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। कोई भी आप ड्राई फ्रूट से बनी हुई मिठाई या दूध से बनी हुई मिठाई का आप भोग लगा सकते हो, और अगर आप दूध से बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हो, और कोई ऋतु फल है तो आप वो भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो इसमें अन्न का भोग नहीं लगता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद दक्षिणा जरूर समर्पित करें, दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। और उसके बाद हमें एक हाथ में, सीधे हाथ में थोड़े से तिल लेकर और फूल लेकर हमें ये कामिका एकादशी की कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए हमें एक जल का लोटा भी लेना होगा, और सीधे हाथ में फूल और तिल लेकर हमें कामिका एकादशी की कथा सुन लेंगे। और उसके बाद जब हमारी कथा संपन्न हो जाएगी तो हमें ये तिल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देने हैं, और हाथ जोड़कर भगवान से जिसे हमारी पूजा को पूर्ण कर देते हैं। उसके बाद हमें आरती करनी है, पहले गणेश जी की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे, शिव बाबा की आरती करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है, और पूजा पूर्ण होने के बाद ही फ्रेंड्स, अब हमें हाथ जोड़कर भगवान के आगे अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है, और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। जल, उसके बाद जो हमारा जल का लोटा है उसको हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, और जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो हम परिवार के सब सदस्यों में बांट देंगे। दक्षिणा हम किसी भी कन्या को दे सकते हैं, चौकी अगले दिन उठानी है, शाम को भी हमें ऐसे ही पूजा करनी है, और दिया चौकी पर जरूर लगाएंगे। इस तरह बहुत ही आसान विधि से हम कामिका एकादशी की पूजा करेंगे। देखिए, अगर लड्डू गोपाल जी भी आपके पास है तो कामिका एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान जरूर कराएं, इसका विशेष महत्व रहता है। पंचामृत और दूध का स्नान कामिका एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो है जो कामिका एकादशी को लेकर मैंने बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम महिलाएं ये तीज त्यौहार कैसे मनाते हैं इस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।